नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि अर्णव गोस्वामी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर अब फाइनली देश के गृह मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। और दोस्तों अमित शाह ने इसको लेकर क्या बड़ा बयान दिया है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता होगा कि अर्णव गोस्वामी वही है जो कि न्यूज एंकरिंग करते हैं रिपब्लिक भारत के लिए, और साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से किया है। लेकिन जब भी कोई ईमानदारी करता है या फिर कोई का साथ देता है तो उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं जो कि अर्णव गोस्वामी के साथ हुई है। दोस्तों बता दें कि अर्णव गोस्वामी के लिए खबर आ रही है कि अर्णव गोस्वामी को पुलिस वालों ने ना सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि उनको काफी ज्यादा मारा पीटा भी गया है। जी हां, आपको बता दें कि उनकी फैमिली को भी पिछले कुछ महीने से बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, और यह दिखाता है कि अगर कोई सच का साथ देता है, कोई ईमानदारी से काम करता है तो क्या होता है। लेकिन बता दें कि देश के गृह मंत्री इसको लेकर अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और इतना ही नहीं इन्होंने अपना हस्तक्षेप दे दिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला इस केस को लेकर। दोस्तों बता दें रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की तुलना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल से की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर से लोकतंत्र शर्मसार किया है। जी हां, ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी न्यूज एंकर को इस तरह से अरेस्ट किया जाता है तो मतलब ये है कि संविधान में जो न्यूज एंकर को लोकतंत्र की छूट मिली है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी शर्मसार घटना है। दोस्तों बता दें शाह ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है। दोस्तों बता दें कि हमारे देश की जो मीडिया है इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर मीडिया ना हो तो कहां से उन तमाम लोगों की सच्चाई सामने आएगी जो लोग गलत काम करते हैं। और मीडिया वालों की वजह से लोगों के बीच में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता है। इसी वजह से संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि इस टाइम पर मीडिया वालों के साथ क्या हो रहा है। बता दें गृह मंत्री ने कहा है कि यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है, यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और इसका विरोध जोरों शोरों से होना चाहिए। दोस्तों रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां के साथ हुई घटना के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अर्णव को पुलिस अलीबाग थाने लेकर गई है जहां से कुछ देर में उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें मुंबई पुलिस ने मारा भी है। फिलहाल अर्णव गोस्वामी अलीबाग पुलिस स्टेशन के अंदर ही हैं। अर्णव गोस्वामी की यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब उनके खिलाफ टीआरपी स्कैम मामले की भी जांच चल रही है। रिपब्लिक न्यूज चैनल का दावा है कि अर्णव को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक कोंकण रेंज संजय मोहिते ने पुष्टि की है कि अर्णव गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अर्णव को आज स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी को अलीबाग पुलिस स्टेशन लाते समय उन्होंने कहा, मुझे पुलिस ने बहुत ज्यादा मारा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और दर्शाता है कि किस तरह से एक बड़े न्यूज एंकर को जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है उसके ऊपर इस तरह से हमारे देश की पुलिस वालों ने हमला किया है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही हमारे देश की लोकतंत्र को और संविधान को ये शर्मसार करता है, और साथ ही जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है उसको भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हानि पहुंचा रहा है। और इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसके ऊपर जम करके कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए और साथ ही इसकी बड़ी से बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि अगर मीडिया को इस तरह से मारा पीटा जाएगा तो मीडिया वाले आगे से सच्चाई नहीं बताएंगे और फिर मीडिया भी पूरी तरह से बिक जाएगा और सिर्फ वही दिखाएंगे जो कि नेता चाहते हैं। और ऐसा अगर हो गया तो हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि जिसने भी अर्णव गोस्वामी के साथ ये सब कुछ किया है उसके साथ क्या होना चाहिए। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताना कि अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द छूटना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।